हाय वेलकम गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से GTA 5। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि माइकल लेस्टर ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बनाया था, जो काफी हद तक उन दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया था, और अभी भी उसका कुछ हिस्सा बाकी है। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं और उस मिशन को पूरा करेंगे। तो ठीक है, हम फिर से आगे हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर, जो माइकल के घर पे हैं हम। अब यहाँ से हमें लेस्टर के पास जाना है, एक हीस्ट है अभी जो इसको हमने पूरा करना है। गाड़ी हमने ले ली है, अब हम यहाँ से चल देंगे। हम थोड़ी देर के बाद में अब एक गाड़ी लेंगे जिसकी स्पीड अच्छी हो और जिसकी ड्राइविंग स्किल भी अच्छी हो। ये गाड़ी हमें पसंद नहीं आ रही, इसकी स्पीड का कुछ और कंट्रोलिंग भी ऐसे ही। चले हम लेस्टर के पास पहले चलते हैं। लेस्टर के गोडाउन का तो हमें याद ही हो गया, इतनी बार हम चक्कर वहां पर लगा चुके हैं। अपने घर पे आने का तो शायद भूल सकते हैं, लेकिन लेस्टर का सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो ये फंस गई अब हमारी गाड़ी, एक्सीडेंट को बचाते बचाते दूसरा एक्सीडेंट कर चुके। चांद कितना शानदार है, लेकिन उसको देखते देखते हम अपनी गाड़ी नहीं ठोकना चाहते। ओ माइकल के तो चलाने का स्टाइल ही डिफरेंट है, इसके पापा की सड़क है जैसे गाड़ी चलाता है ये। अब हम पहुंच गए हैं, लेकिन फीस इसके पास यहाँ पर नहीं है। मैप खोल के देखते हैं हम, सही लोकेशन। चलो अब हम अभी गाड़ी सही है तो ब्रेक थोड़ा सा सही है। माइकल सपने देख रहा है आज कितने दिन से, जल्दी शॉप लूटने के। अब वो कहाँ जाने, ऊपर नीचे नीचे ही चलते हैं, यहीं पर ईस्ट की तरफ। ये रही, ये सामने जा रही है हमारी वैन, इससे हमें लेनी है, इसके आगे लगा देते हैं। ओ, बहुत ही खतरनाक आदमी है, तो गाड़ी रोक नहीं रहा। ओए हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं ना, वरना पुलिस लग जाएगी हमारे पीछे। इसको तो रोक के रहेंगे, कहाँ तक तो भागेगा बच्चे। चल उसकी गाड़ी बड़ी है ना, हमारे पास अगर बड़ी गाड़ी होती तो हम इसको ठोक के उल्टा कर देते। एक तो कहाँ कहाँ से गाड़ियां आ जाती हैं बीच में,
और ये गाड़ी की हैंडलिंग भी नहीं इतनी अच्छी है। अब कहाँ जाएगा, तो बहुत ही शानदार गाड़ी चला रहा है ये, वफादार है लगता है, अपनी गाड़ी तो होगी नहीं। ओ जैसे हमने कहा था, हमें किसी को मानना नहीं, लेकिन हमारे हाथ एक्सीडेंट हो चुका है और एक स्टार लग चुका है। किसी भी वक्त पुलिस वाले आ रहे होंगे हमें पकड़ने के लिए। अब इस गाड़ी को हम कितना, इसको बीच में दे मारते हैं, काफी पावरफुल गाड़ी है ये, हमारी कार से संभल नहीं रही, हम इसको कैसे रोकें। चलो अब तो रुके, अब हम इसको पकड़ लेते हैं। ओह नो, तो निकल गई, मैं उड़ाना नहीं है, अपनी गाड़ी लेते हैं। इस वैन का क्या करेंगे, शायद जितनी ज्वेलरी है सारी इसी वैन में भर के हम पहुंच जा देंगे। यहाँ पर आसपास पुलिस भी बहुत है। गाड़ी तो रुक गई है, इसको मैं निकालता हूँ बाहर गाड़ी में। गाड़ी तो चलो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, दो स्टार लग चुके हैं। अब हमारी गाड़ी ये ठीक भी नहीं है इतनी, इसको बहुत ठोक चुके हैं हम भी, इसकी स्पीड भी नहीं है, पुलिस वालों से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। इसको कहीं पहले लेकर चलते हैं जहां इसको हम छुपा सकें, फिर अकेले तो हम कोई गाड़ी लेकर हम भाग जाएंगे। ये पिलर है, एक ऐसा पिलर है, पोल है जो टूटता नहीं, बाकी सारे पोल टूट जाते हैं, ये पोल टूटता नहीं है। कहाँ चलते हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ नहीं रहे। पानी है, अगर पानी में गिराएंगे तो नहीं, पानी में नहीं गिरा। ओ बाहर निकलते हैं, गाड़ी को यहीं पर छोड़ के पानी में तो मारते नहीं तो हमें कोई गोली मार देगा। चारों तरफ पुलिस वाले हैं, अब ठीक है, अंदर अंदर से बाहर निकल जाते हैं इनके थोड़ा सा। गाड़ी तो हमें फिर भी मिल जाएगी बाद में, पुलिस वाले भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, हमें मारे जा रही है पुलिस, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। पुलिस वालों की एक बार रेंज से दूर हो जाएं बस, और शायद उनकी नजर से हम दूर हो चुके हैं, बस हमें थोड़ा समय बिताना है, उसके बाद हम अपनी गाड़ी तक वापस जा सकते हैं। बस वो पुलिस वाले एक बार यहाँ तक ना आए या ऊपर ना हो, पानी में ही चलना चाहिए, यही पुलिस वाले यहीं आसपास ही घूम रहे हैं। इस साइड ठीक है, लेकिन हम किनारे नहीं जाएंगे, क्या पता कोई पुलिस वाला इधर भी हो। ओ ठीक है, स्टार्स गायब हो चुके हैं, अब हम रिलैक्स हैं, हमारी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी हुई है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। किनारा आने वाला है, चलो किनारे तक हम आ गए, हमारी गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है।
अब हमारी गाड़ी पर शर्त यह है कि चलने की हालत में होनी चाहिए। ये हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, देखिए अब आगे से। यस खैर ठीक है, चलती हालत में है। अब इसमें गारमेंट फैक्ट्री के पास इसको पहुँचाना है। ये लेस्टर की है, आज माइकल ठान के आया है कि हमने ज्वेलरी शॉप लूट के रहनी। देखिए 60% ड्राइविंग स्किल बढ़ गई है, स्किल से भी होता है, बहुत फर्क पड़ता है आपकी ड्राइविंग को चलाने में, गाड़ी चलाने में। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। इतनी कोई बेकार गाड़ी भी नहीं है, ठीक है। बस हमको इसी पुल के नीचे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। देखो एक्सीडेंट तो हमें करना ही करना है। चलो हमने एक गाड़ी और यहाँ पर रखी थी, वो कहाँ गई? चलो कस्टमर का फोन भी आ गया है। लेस्टर से हमारी बातचीत हो गई है, यहाँ सेव हो गई हमारी। और लेस्टर से बात करने के बाद हमें जो जो चीज़ की ज़रूरतें थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। फाइनली आखिर वो दिन आ ही गया। Attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, we know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self defense. प्लान बन रहा है पूरी तरह से यहाँ पर। लेस्टर समझा रहा है, no problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent?
depending on the job you do. Now, once it's down, you see who Michael, he makes the call. Things look good, you should be able to drop the Michael the Lester ne mil ke team ikattha ki hai. Everybody goes to sleep, no problem. So, इस मिशन को अंजाम देगी। Frank, you're with me. Christian, take the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, all right? See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. मैं तो कार में बैठ गया है और अपने सभी बंदों को बुला लिया उसने, बाकी आदमी को बोला है दोनों वैन लेकर पहुंचे, हम आगे चल रहे हैं जिले स्टोर की तरफ। आराम से बेटा, हैंडलिंग हमारी थोड़ी ऐसे ही है। सर गाड़ी लेने वाली तो यही थी। चलो एक बारी हम बैंक ज्वेलरी शॉप लूट लेते हैं एक बारी, उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। जो मर्जी जी चाहे वो गाड़ी हम खरीदेंगे, इस बस को भी खरीद लेंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आज तक चाहिए गाड़ी अपने आदि आने ही तक थी। आ रहे हैं शायद वो पीछे, चलते हैं। स्टोर भी अब हमारे सामने ही है। बाकी प्लान तो लेस्टर का है। अभी पहले हमें रूफटॉप पे जाना है। जहाँ हम पहले गए थे मार करके आए थे, जाएंगे। माइकल ने एक आदमी भेजा हुआ है ऊपर के ऊपर, जरूर कुछ ना कुछ। Hey, there ain't no one around. कोई ऊपर, वैसे तो ऊपर होता नहीं है कोई। Get your ass out of here. जहां हम पहले गए थे हमें वहीं पर शायद जाना है, वहीं से शायद कोई रास्ता है या कुछ ना कुछ होगा, अलार्म वगैरह जिसे बंद करना होगा, वो तो पहुंच के ही पता चलेगा। Almost there. Almost there. Just gotta get where I can throw this. तो फ्रैंकलिन है मेरे ख्याल से। हाँ जी 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 फ्रैंकलिन ही तो है ये। इसी की आवाज है। इसने ड्रेस डाली हुई है। Man, just give me a minute. I got an angle. हमें बीजी गैस है, उसको वेंट के ऊपर फेंकना। ओके, सब बेहोश हो जाएंगे आई थिंक, उसके बाद हम अंदर जाकर रॉबरी करेंगे। समझ आ रहा है कुछ प्लान। यस, एसी के रास्ते से गैस अंदर जाएगी। मतलब वेंट की फोटो भी खींची थी पहले। यस, गैसेस अंदर आ चुकी हैं।
और जैसे सोचा था सबके सब ढेर हो गए वहां पर, बेहोश हो गए। हमने मास्क लगाकर हम अंदर जा रहे हैं। हम तीन आदमी हैं तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। तो जल्दी से हमने ज्वेलरी शॉप को पूरा लूटना है जितना हो सके ज्यादा ज्यादा, जो टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा और जितना हो सके ज्यादा ज्यादा ज्वेलरी लूटनी पड़ेगी। जितना कैश होगा उतना अच्छा है। सभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा रह गया है। और हमारा टाइम भी हो चुका है, अब हम बाहर निकलते हैं। और हमने पूरी की पूरी दुकान लूट ली है। इससे पहले कोई आ जाए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। तो पुलिस भी आ चुकी है, हमें यहां से बच बचाव कर निकलना पड़ेगा। कोई हमें मार ना पाए। मेरे बाइकर्स आगे जा रहे हैं, मुझे भी उन्हीं का पीछा करना है। हमें नहीं पता कहाँ जाना है। पुलिस वाले पीछे लगा हुआ है और हमने शॉर्टकट मार दिया। ओह ओह माय गॉड, फ्रैंकलिन की डेथ हो गई। फाइनली हमने अपने क्रू मेंबर के साथ में ही रहना है और कोशिश करना है कि हमारी बाइक से हम अपने स्लिप ना हो। चाहे अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके चलाएं, तो स्पीड जैसे ही तेज हम करेंगे हम टकरा जाएंगे। और इस भूल भुलैया से बाहर हम क्रू मेंबर के साथ ही निकल सकेंगे। वो जा रहे हैं आगे, आसपास ही हैं अभी। मैं स्पीड मेंटेन रखनी है कि वो दूर भी ना चले जाएं और हम गिरे भी ना। धीरे चलें, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम अब थोड़ा स्लो स्टडी कर होकर चलाएंगे। ज्यादा स्पीड देने का कोई फायदा नहीं, वही कोई रेस नहीं है। हमने बस बच के अपने क्रू मेंबर के साथ वो भी आगे निकलना है। अगर हम वैसे भी आगे निकल जाते हैं तभी हम हमारा मिशन फेल हो जाएगा, तो इसलिए हम साथ में चल रहे हैं। और कितनी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, अंडरग्राउंड टनल्स। कहाँ चले गए? और बाहर पहुंचने वाले हैं हम। और हमारे इंतजार के लिए प्लीज, और हम शिफ्ट होके सीधा वैन में अपने। अब हमें इन सारी कारों को चेस करना है और सबको डिस्ट्रॉय करना है जिससे ये उनका पीछा छोड़ दें। इस वाले बाहर निकल के गोली चला रहे हैं।
दो गाड़ियां रह गई बस। कहां कहां से टनल से बाहर निकल रहे हैं इस वाले भी। हो सकता एक माल गाड़ी जा रही है, तकरीबन सही पुलिस वाले पीछे रह चुके हैं। और हम यहाँ पहुंच गए हैं। वाह, इस वैन के अंदर तीनों बाइकर्स आ गए। ये प्लान था। तो लॉकअप। अब हमें लॉकअप करना। बेटा हट जा, किसी को मारना नहीं चाहते। पुलिस वाले ने तो पीछे आ जाएंगे। लॉकअप लॉकअप क्यों जाना है? यार्ड में आना है। Then you come, come on. लेस्टर तो यहीं पर खड़ा हुआ हमारा इंतजार कर रहा था। तो यार्ड है, लॉकअप क्यों लिखा हुआ था? खैर, फाइनली हमारा ये मिशन पूरा हो गया जो काफी दिन से रुका हुआ था। लेस्टर और माइकल का प्लान ये तो आखिर कामयाब भी हो गया और माइकल भी अब अच्छा खासा। लेस्टर और माइकल दोनों के पास, फ्रैंकलिन के पास भी, तीनों के पास अच्छा खासा पैसा हो गया। कुछ ना कुछ हिस्सा तो ईस्ट कोस्ट। देखिए आप, टेक देखिए कितना कितना पैसा इन सभी ने बांट लिया। माइकल के पास भी आ गया 8,80,000 डॉलर्स। फ्रैंकलिन के पास भी 2,93,000 डॉलर्स। लेस्टर के पास 3,42,000 डॉलर्स। काफी हिस्से का डिटेल। और फ्रैंकलिन सीधा अयाशी करने पहुंच गया पैसा मिलते। वो सीन आपत्तिजनक है, इसकी वजह से हमें इसको मोजैक करना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का कोई भी कॉपीराइट हमें लग जाए। यहाँ से बाहर चले गए। माइकल हमें बुला रहा है, माइकल के पास जाना है। माइकल हमें बुला रहा है, हमने माइकल के पास जाना है। माइकल का घर ये रहा। चलते हैं। माइकल का घर भूल जाता हूँ। जा तो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। काफी दूर हम आ चुके हैं। इतनी बड़ी सिटी है ये।
be the stunt butcher. फ्रैंकलिन भी बहुत खुश है अपनी गाड़ी से, वो सबको ठोके जा रहा है, इतना ज्यादा खुश। हमारे एम्यूनिशन स्टोर पर राइफल अवेलेबल हो गई है इन कलर रेंज। इंतजार करने की इतनी हमें शक्ति नहीं है। अब यहाँ से सीधा माइकल का घर है, इस सड़क से आसानी से हम आ जाते हैं। बचाव हो गया मतलब, तो ऐसे एक्सीडेंट में आमतौर बाहर निकल के गिरते हैं। माइकल के घर पहुंच चुके हैं, अब हम मिलते हैं माइकल से। हिस्सा लेते हैं माइकल से और शाबाशी दे गई। दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, आखिर क्यों ना करें, इतने पैसे जो जीते हैं। दोनों खुश हैं, खुश the whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes I'm gonna find out you are alive, you are D-O-N-E fucked! Don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Stop being a passenger. What the hell is he doing? Stop leaving your truck. Whatever the hell it is you're talking about. Huh? Take your ego really? To the next level and travel across town at hundreds of miles an hour. News of the ash. शायद हाँ, ज्वेलरी शॉप की तो न्यूज है। रॉकफोर्ड हिल ज्वेलरी इस्ट पति जनित सिंह makes 28 million a year. Trevor! You've been with my girl again? I'm speaking with you, master. Don't do it, darling. We all get high! We all get high! ये घर इसका था, ड्राइवर। ये भी एक साथी है, आने वाला साथी माइकल का। अब इसकी एंट्री हुई है। बहुत गुस्से वाला आदमी है और एक गुंडा कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ा गुंडा है ये और बहुत गुस्से में रहता है ये। और बहुत ही बड़ा बेवड़ा भी है। इसी के घर में जाकर इसकी बेबी को छेड़छाड़ करता था कुछ बोलने पर। देखिए बहुत एक खतरनाक आदमी है। ये इसकी गर्लफ्रेंड है। Now we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers.
अब जिसको मारा उसके ब्रदर के पास जा रहे हैं, वो भी गुंडा था। ये अभी तक उसके साथ चिपक के रो रही है। दोनों को उड़ा देते हैं। धोखेबाज औरत भी है ये, इसी की वजह से वो बेचारा मारा गया हमारे हाथ। चलो दोनों चल के खाक। ड्राइवर से पंगा लेने का इंसान यही होता है। अब चलते हैं। इसके ब्रदर के पास, वो भी गुंडे हैं। ये ट्रेवर से पंगा लिया है ना। कहां बच के जाए। की गाड़ी चलाने का अंदाज ही बहुत निराला है। गाड़ी रखी है खटारा, लेकिन चलना बहुत, चलाना बहुत सही से चलाना आता है इसको। सब गुंडे हैं। ये क्या दिखा रहा है पांव में। जा रहे हैं गुंडे बुलाने। ड्राइवर को मारने के लिए गुंडे बुलाने जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर भी कहां छोड़ने वाला है। इनको रास्ते में ढेर कर देंगे। सड़कें हैं, गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है, तब तो पहाड़ी एरिया। आगे कहीं मौका देख के फिर हम उनके उपाय करें। क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सीडेंट हमारा भी हो सकता है। ट्रैप डाल दिया था, बीच में ठोकने वाला था मैं। कभी सोचा था इधर जाऊँ क्या हो गया। क्योंकि फेंस लगी हुई थी तो नीचे के पास। गाड़ी का पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। मैं कोई गलती नहीं करनी है। शॉर्टकट मारते हैं, जाने दो उनको ऊपर से। क्या रास्ता ये निकला हुआ है और जा रहे हैं। Awesome.
अब हम उनको गोली मार कराते मोड़ है इतने सावधानी हटी दुर्घटना घटी उन्हें उस बात का ध्यान रखना है हमें कहीं सीधी सड़क देखेंगे वहाँ पर इसको मारेंगे चलो एक तो ढेर हो गया अब रही दूसरी की बारी उनको जहां रुकेंगे वहीं पर मारें लेकिन ये तो आदमी बुलाने जा रहे थे चलो खींच लो गाड़ी कहीं ऐसा ना हो निकल जाए वो मारने के चक्कर में इनको चलते हैं हम सीधा इन्हीं के पीछे यहाँ कहाँ घुस गए बाइकर्स को ही मारना पता हमें चलो यहाँ और भी कई आदमी हैं है कहां पर ये चिंता है चल बेटा मर जा मैं छुप छुप के चलना पड़ेगा वो एक आदमी आगे से आ रहा है चलो चलो बहुत बड़ा गैंगस्टर है ये ड्राइवर बाइक चलो ये बैकअप लेने जा रहा था बैकअप की गाड़ी आ चुकी है इसको यहीं पर इनको मार देंगे ड्राइवर को गाड़ी पंचर कर दी आग लग चुकी है गाड़ी में शॉटगन बहुत सही होती है तो गाड़ी फट गई अच्छी है सिलेंडर पड़ा हुआ है यहाँ से दूर रहना चाहिए नहीं तो एक गोली अगर सिलेंडर को पड़ी सामने से भी आ रहे हैं दूसरी गोली पड़ रही है पीछे पीछे मैं बीच में नहीं जाना चाहिए पीछे रहते सामने कवर रहती मैं ऊपर चढ़ा हुआ आदमी शॉटगन हमारी वहां तक नहीं पहुंच रही दूसरी गन निकालते हैं चलो और कोई है ये रहा चलो कोई एक है आपने को आ रहे हैं दो आदमी आ चुके हैं चलो ओ पीछे से भी आ गए काफी आ गए यहाँ पर उनका असला बारूद यहीं पर था शायद हमें इन्हीं किसी चीज को उड़ाना था और फाइनली हमने इसको उड़ा दिया चलो अब यहां से निकलते हैं बाइक लेके चलते हैं पैदल कौन चलेगा बाइक यहीं पर छोड़नी पड़ेगी मेरे ट्रक लेने को जाना है अपना ये Go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? Los Santos, you know. Go to the riverside trail. एक आदमी कोई बचा हुआ है इनका जो मेन आदमी है
कहीं रिवर्स साइड पे ट्रेलर में है। चलो देखते हैं कौन है। एक्चुअली बात है दोस्त होगा नहीं, कोई दुश्मन ही है हमारा होगा। इसको भी देखते हैं क्या है, क्या हमें साथ में लेके जाना है। चलो तो पहुंच गए हैं हम। ये देखिए काफी डिश विश लगा कर यहाँ पर बैठा है, ट्रैवल कर रहा है। ओ माय गॉड, ये तो एक्सीडेंट करने के चक्कर में है। पुश द ट्रेलर इनटू द रिवर, रिवर में धक्का देना है। वो टूट गया है खुद। चलो यहाँ से चलो, मार दिया है कोई पुलिस विस ना आ जाए, कोई फालतू का बवाल हो जाए। इससे पहले हम निकल चलते हैं यहाँ से। अभी कोई और बचा है क्या? लिखा हुआ था कहाँ जाना था हमने। लग रहा ड्राइवर के घर पे ही जाना है। अरे ना तगड़ा एक्सीडेंट कर दिया। चलो जाने लगा था ट्रैवल की ब्रेकिंग देखी कितनी जबरदस्त चल रहे हैं यार। तब तो रहा ट्रैवल का घर। यस फाइनली हम ट्रैवल के घर आ। किसका घर था? दिस इज ट्रैवल सेफ हाउस। अब ये ट्रैवल का सेफ हाउस हो गया। मैं समझ गया इस बूढ़े का घर था और उन दोनों ने कब्जा करके रखा हुआ था। तो कितनी गंदगी डाल के रखी हुई है इस घर में। और ट्रैवल भी हल्का होकर आ गया। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। चलो भाइयों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे हम प्रेरित होकर इसके नेक्स्ट पार्ट आगे भी हम बनाते रहें। धन्यवाद।